प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का बहुत गहरा असर होगा देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर। ये पूरा मामला क्या है पहले ये समझते हैं। सूर्य देव अभी वृषभ राशि में विद्यमान हैं, वृषभ राशि में मौजूद हैं। सूर्य देव 15 जून को शाम को 6:29 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है और ये राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि, फेवरेबल राशि मानी जाती है। अब सूर्य जितने दिन मिथुन में रहते हैं वो समय वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय भी होता है, इसीलिए सूर्य देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और मिथुन राशि में भी जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो हम ये गणना करते हैं कि आने वाले वर्ष में पानी की स्थिति, वर्षा की स्थिति, मौसम की स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए सूर्य देव का इस राशि में प्रवेश वर्षा और मौसम पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। ये परिवर्तन देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक प्रभाव डालेगा, खास तौर से क्लाइमेटिक चेंजेस के मामले में। वर्षा, तूफान, स्खलन, आपदाएं, इन तमाम चीजों पर असर डालेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन, और अलग अलग राशियों के जीवन को भी प्रभावित करेगा अपने अपने हिसाब से। अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव दिखाई देंगे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर तो असर पड़ेगा ही। वो कैसा असर होगा वो हम आपको आगे बता देंगे कि अगला एक महीना आपके लिए कैसा जाएगा सूर्य देव के राशि परिवर्तन के अनुसार। लेकिन सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर भी असर पड़ेगा। क्या करेगा? सूर्य देव मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ये देश में अशांति पैदा कर सकता है, देश भर में अशांति की नौबत आ सकती है। खास तौर से जो पूरब के इलाके हैं, बंगाल का, उड़ीसा का, नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर अशांति पैदा हो सकती है। व्यर्थ के विवाद और वैमनस्य, बेवजह के झगड़े, झंझट, विवाद में वृद्धि हो सकती है। महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आरंभ में गर्मी बढ़ेगी, 15 जून से लेकर लगभग 24 जून तक गर्मी काफी ज्यादा होगी, लेकिन बाद में वर्षा की अच्छी स्थिति से राहत मिलेगी। अगर हम बारिश की बात करें, अगर हम वर्षा की बात करें, तो वर्षा की स्थिति इस साल राहत के संकेत दे रही है और बरसात अच्छी होने के इंडिकेशन हैं। देश के पश्चिमी इलाकों में बारिश से थोड़ी समस्या हो सकती है। मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका और गुजरात के इलाके में तूफान से समस्या, बारिश से समस्या, चक्रवात से समस्या, यानी वहां पर मौसम की वजह से 15 तारीख से समस्या आने की संभावना दिख रही है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।